हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पहले से पता था कि थोड़ी जो है तबीयत में प्रॉब्लम हो रखी थी, इस वजह से आप लोगों को कोई भी वीडियो नहीं मिल पाई। फिलहाल जो है कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यूअसली अब मिलना शुरू हो जाएंगी। और जो टारगेट वाली चीज़ें हैं, जो आपके जो टारगेट्स थे, वो एज इट इज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टारगेट डे 3 और 4, ये दो टारगेट, शायद 5 भी आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे मिला है। तो जो भी कंटेंट है, एक वीडियो इन शॉर्ट में बना दूंगा कि जो टारगेट्स थे वो कौन कौन से टारगेट आप लोगों को दिए गए। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग जाकर टेलीग्राम पे देख सकते हैं कि इन जो 2 दिनों में वीडियो नहीं आई थी, 2-3 दिन वीडियो नहीं आई, तो उसके जो टारगेट्स गए थे तो वो कहाँ पर मिले हैं, कैसे मिले हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग वहाँ पर देख पाएंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आप लोगों को आज कौन सा टेस्ट देना है। तो टेस्ट से पहले मैंने कई बार बताया आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक लगातार ये पूछते रहते हैं मुझसे कि भैया ये बताओ टारगेट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, टारगेट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। भाई आप लोगों को बताया 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पर चलते हैं। 4 दिन ही पढ़ाई होती है, सिर्फ मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ाई होती है, और सैटरडे का जो दिन है उस दिन हम लोग रिवीजन करते हैं उन 4 दिनों का जो 4 दिनों में पढ़ा है, और हम संडे की इवनिंग में टेस्ट देते हैं और संडे को सब कुछ रिवीजन करते हैं जो आज तक पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो उसके फॉर्मूलाज वगैरह देख के जाते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन आए तो कम से कम ये उम्मीद तो रहे कि 50-60% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों के पास अभी तक NCERT की बुक्स नहीं है, ये 9th वाली बुक है, चैप्टर्स भी देख लो आप लोग, ये इसमें चैप्टर्स हैं, ये 9th की बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 10th की NCERT की बुक होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोगों ने देखी भी होगी, कई बार मैं बता चुका हूँ। ये RS अग्रवाल का मैथ है, पुराना वाला, आपको पुराना नहीं लेना है, आपके पास न्यू मैथ होना चाहिए। इसके अलावा बिना रिवीजन के और बिना प्लेलिस्ट देखे अगर कोई भी बच्चा टेस्ट देता है, प्लेलिस्ट हर बार नहीं देखनी है, कम से कम चैनल पे अगर आप आए हो तो एक बार आपने प्लेलिस्ट जरूर से ज़रूर देखी हो। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तब आप अगर सोचते हो कि मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो सारी चीज़ें बताई गई हैं वो लगातार यहाँ पे हर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उन 18 वीडियोज़ वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देख लो, क्योंकि वो कंपलसरी है, और उसके बाद जब आप टेस्ट दोगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं था, अचानक से आपके मार्क्स में उछाल देखने को मिलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक 18 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट, मतलब जो 1.5 से 2 घंटे में समाप्त हो सकती है, अगर आप उसे देखने के बाद अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जिस दिन आप 65 की कैटेगरी में आ जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ, और बस ये कॉन्फिडेंस ही आपको सिलेक्शन तक लेके चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला काम जरूर से जरूर आप लोग करोगे। फिलहाल आप सुनिए, मैं जो लास्ट के टेस्ट दे रहा हूँ उसके पीछे 2 रीजंस हैं। देखो पिछली बार 35 दिया था, इस बार जो है 36 नंबर देना है फुल टेस्ट का, और प्रीवियस का भी आपको 36 नंबर देना है, और ये जो टेस्ट होंगे 2021 के देने, क्योंकि इस टाइम अगर 2019 वाला टेस्ट देते हो जो इनके फुल टेस्ट है उसे देने का कोई फायदा नहीं है, वो एक तरह से हिस्ट्री बन गया है। भाई आप लोग प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो, लेकिन उसकी जो जीके वाली चीज़ें हैं, करंट वाली चीज़ें हैं, वो आपके लिए किसी काम की नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप वो वाले टेस्ट दो जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आप उन टेस्ट को दे लोगे तो उसमें जो करंट जीके है वो आपके काम आएगी, इसलिए लास्ट से टेस्ट दिए जा रहे हैं, एक रीज़न रहा ये। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के टेस्ट दे चुके हैं, तो अगर मैं देना शुरू कर दूं कि मान लो टेस्ट नंबर 1 लगाओ, टेस्ट नंबर 2 लगाओ, तो एक तो आपको करंट मिलेगी पुरानी वाली 2019 की, इससे आप अपने मार्क्स को सही से जज नहीं कर पाओगे कि यार मेरे सही मार्क्स कितने थे, क्या था, क्योंकि आप लोगों को करंट जब 2019 की मिलेगी, आप पढ़ रहे हो 2020 की और 21 की, तो दिक्कत होगी ना। इसलिए मैं लास्ट के टेस्ट आप लोगों को लगवा रहा हूं। तो सारी चीजें बहुत प्लानिंग से चल रही हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से सारी चीजें चलती रहेंगी। आगे भी आप लोगों को लगातार मैं टारगेट्स की वीडियो दूंगा। फिलहाल क्या है कि फोन में स्पेस वगैरह कम हो रखा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक दिवाली का ब्लॉग आने वाला था, इसके साथ साथ मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो फोन में इस टाइम पे भरी हुई हैं, जिसकी वजह से स्पेस भी नहीं है। तो मैं ये वीडियो रखता हूँ छोटी, और आप लोग बिना रिवीजन के कभी भी टेस्ट नहीं देंगे। 100 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देख लेना, पेपर में जरूर से ज़रूर 2 से 3 टाइम्स निकल जाना, और तभी पीछे लौट के आना। मतलब पहला जो 1 घंटा है उसके अंदर लगभग लगभग उम्मीद किया करो कि 70 मिनट के अंदर या 60 मिनट के अंदर पूरा पेपर देख लिया करो, फिर सेकंड राउंड में आके पेपर को सॉल्व करना है, बस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप इस तरह से करते हैं 1.5 घंटा पूरा पेपर में बैठना है, चाहे आप इंटेलिजेंट हो चाहे जो भी हो, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अपने 90 मिनट्स का यूज़ कर लो। कहाँ जाना है, IPL खेलोगे क्या? IPL खेलना है भाई, जब आपके पास टाइम है एग्ज़ाम का
तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, उसका एक भी मिनट जाया नहीं होना चाहिए। आप अगर करके भी बैठ गए हो ना पूरे क्वेश्चंस, आपको लग रहा है आप क्वेश्चन नहीं होंगे, आप दोबारा से देखो, बार बार देखो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन भी होगा, इसलिए टाइम अपना पूरा पूरा लगाना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हो सकता है कि दिवाली ब्लॉग्स आ जाए, हो सकता है कि रनिंग रूम वाली जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई थी वो वाली वीडियो आ जाए, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, उस डेटा को अभी अपलोड करना है, तभी आप लोगों के सामने दूसरी वीडियोज़ मिलना शुरू होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।